एक हम सुनते हैं सफरी रियाज उसको बोलते हैं, वो होता है जस्ट टू स्टे ऑन अ नोट, एक कोई नोट आपका जो की नोट है उसको आप इसे तो इसको जितना लंबा खींच सकते हैं और इस एक नोट पे जितना आप स्टे कर सकते हैं उस पे स्टे कीजिए। समटाइम्स आप अगर जहाज़ में हैं, बस में हैं और आप गाड़ी में हैं और तो आप सिर्फ हमिंग करके भी वो उस नोट को कायम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सा को टिकाना, सा के ऊपर कंसंट्रेट करना। आप देखो दुनिया जो है वो मेडिटेशन करती है और उसमें भी जब हम लोग मेडिटेशन करने जाते हैं उसमें भी ओम का रियाज बताया जाता है या एक ओंकार का रियाज बताया जाता है या आकार का रियाज बताया जाता है या सा का रियाज बताया जाता है या हमिंग करवाई जाती है। तो वो सारी मेडिटेशन है, ध्यान है। पूरे ध्यान से साल गाना चाहिए और उसमें आपको थोड़े दिन में, मेरे ख्याल 15 दिन में, अगर आप ध्यान से कंसेंट्रेट करके उसके ऊपर काम करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट जो हैं वो सुनाई देंगे। तो वो जो ट्यूनिंग है वो सा के रियाज से आती है, तो वो ही लोगों को खींचती है अपनी तरफ। सो मेरे ख्याल में सा का रियाज जो है वो ज़रूर करना चाहिए। आवाज़ के लिए लो नोट, जिसे पहला पक्का हम उसको बोलते हैं, पहला काला पक्का सी साफ, वहाँ से अगर आप रियाज शुरू करेंगे या उससे नीचे उसके आसपास के स्रों से, तो वो उससे क्या है कि आपका जो लो का बेस है वो बेस बहुत मजबूत और अच्छा बनता है। और उसी नोट को पकड़कर सा टू सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो इस तरह से करने से क्या कि आपका लो का और लर्ज का, जो खर्च और लर्ज दोनों अच्छे पक जाते हैं, आपके नोट्स जो पक जाते हैं।